मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वीना। अब आ रहा है गणेश महोत्सव का त्यौहार, तो हम घर पर कुछ डेकोरेशन करके गणपति जी को बिठाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं कुछ डेकोरेशन। तो सबसे पहले हम बैकड्रॉप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक नेट का मेरे पास कपड़ा था पिंक कलर का, उसमें से लगभग 1 इंच जितनी चौड़ाई के और 6 इंच जितनी लंबाई के मैंने ऐसे टुकड़े काट लिए। और मैंने एक गोल्डन कलर की रिंग ले ली है, जो हमें एम्ब्रॉयडरी सामान जो बेचते हैं वो भैया से मिल जाती है। मेरे पास ऐसा थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान पड़ा रहता है। तो इस रिंग में मैंने जो नेट का टुकड़ा था उसका 2 छेड़े को पकड़कर ऐसे लूप की मदद से अटैच कर लिया है। अगर आपकी रिंग थोड़ी बड़ी है तो आप उसमें ज़्यादा अटैच कर सकते। मेरी थोड़ी मीडियम साइज़ की है तो मैंने ऐसे 5 स्ट्रिप ली है और पूरी लगा दी है। अगर आप चाहे तो पूरी की पूरी रिंग में सर्कल जैसा बनाकर भाई पूरा कवर कर सकते हैं। मैंने एक ही रंग की नेट यूज़ की है, आप 2 नेट का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। और दूसरी आइडिया के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 कलर की अलग अलग रिंग बनाई। अब मैंने ये सब रिंग तैयार कर ली है। अब हम वही स्ट्रिप साइज़ वो सेम ही रहेगी, 1/2 इंच की ब्रॉड और 6 इंच की लेंथ। ऐसे हम स्ट्रिप को एक साथ पकड़ लेंगे, उसके एक एंड को हम ऐसे पकड़ेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे। लगभग हम 20 से 25 स्ट्रिप को ऐसे पकड़कर एक बंच जैसा बना लेंगे और बीच में से पकड़कर ऐसे ट्विस्ट करेंगे, जैसा मैं दिखा रही हूँ। ऐसे ट्विस्ट करके एक थ्रेड लेंगे एक्स्ट्रा वाली, वो एक्स्ट्रा थ्रेड से हम ऊपर से बांध देंगे। हम साड़ी में जैसे टसल बनाते हैं सिल्क की साड़ी में लगाने के लिए, राखी में ऐसा टसल जैसा ही बनाना है, तो मैंने वैसे भी सारे बना लिए हैं। मैंने एक गोटा पट्टी की लेस ली है जो पतली वाली है, अगर आपके पास थोड़ी ब्रॉड होगी तो भी चल जाएगी। अब गोटा पट्टी की लेस पर मैं ग्लूगन की मदद से रिंग को ऐसे चिपका दूंगी। 2 रिंग के बीच मैंने 10 इंच का गैप रखा है। आपको ज़्यादा लगानी है वो बैकड्रॉप, आपको थोड़ा लंबे चाहिए तो आप ज़्यादा गैप भी लगा सकते हैं। और मैंने एक स्ट्रिप में ऐसे 4 रिंग को लगाया है। अगर आप बैकड्रॉप को थोड़ा लंबा बनाना चाहते हैं तो आप 4 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और एंड में मैंने एक गोटा पट्टी का जो फ्लावर आता है वो लिया और एक गोटा पट्टी का एक बॉल भी मिलता है वो लेकर एंड में बेल की जैसे दोनों को चिपका दिए है। तो तैयार है हमारे ये 2 स्टाइल के बैकड्रॉप, गणपति डेकोरेशन के लिए रेडी है। डेकोरेशन के लिए मुझे टेबल मैट्स भी बनानी है, तो इसके लिए मैंने एक पटोला प्रिंट का फैब्रिक लिया है और कार्डबोर्ड पर मैंने ऐसा सर्कल कट करके वो कापड़ पर चिपका दिया है। और साइड में हम एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा कापड़ रखेंगे और यहाँ ऐसे कट लगा देंगे, जिससे कि राउंड में हमें कापड़ को बैक साइड पर चिपकाना आसान लगे। तो फिर बैक साइड पर आप ग्लूगन की मदद से इजीली कर सकते हैं, पर मैंने फेविकॉल की मदद से किया है। तो फेविकॉल ऐसे अप्लाई करके जो कापड़ पर हमने कट लगाए थे उसे फोल्ड कर देंगे। हम फोल्ड करते समय ध्यान रखेंगे कापड़ हमारा एकदम टाइट लगे। अब वो सूख जाए तब मैंने एक ये मोटी वाली लेस ली है और ग्लूगन की मदद से मैंने उसे लेस को राउंड में बाहर की तरफ जो मोती रहे इस तरह पर लगा दूंगी। पूरा सर्कल हमें लेस को इसे ऐसे ही कवर कर लेना है। आप इस लेस की जगह बड़े मोती वाली भी लेस आती है, वो ट्रायंगल वाली भी लेस आती है, वो कैसी भी लेस आपको जो पसंद हो वो लेस लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद बैक साइड पर हमें जो ये थोड़ा अनइवन लग रहा है इसकी जगह पर हम जो नॉन वूवन हमारी शॉपिंग बैग आती है उसमें से मैंने एक राउंड कट कर लिया है और वो लगा दिया है, जिससे कि वो सारा जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा वो कवर हो जाए। ऐसे ही तरह मैंने येलो कलर का भी एक टेबल मैट बना लिया था। अब मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है, तो अब हम गणपति जी को घर लाने के लिए तैयारी कर लेते हैं।
यू फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं, बाय।